बड़ी खबर सामने आते हुए आसीन से, जहां बॉयलर फटने से दो युवकों की मौत हो गई। दूध से मावा बनाने की फैक्ट्री में बॉयलर फट गया है। आपको बता दें करचौलिया ग्राम पंचायत के नारायणपुरा गांव का यह पूरा मामला है। आसीन पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी मंजूर अहमद फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। मंजूर, बॉयलर फटने से दो युवकों की मौत होने का मामला सामने आया, मावा बनाने की फैक्ट्री में ये फटा, किस वक्त हुआ ये हादसा, क्या कुछ कारण रहे? आकांक्षा, मैं बताता चलूं, कल शाम को लगभग 7 से 8 बजे के बीच में आसीन उपखंड की ग्राम पंचायत करजालिया के नारायणपुरा में जो धनराज कुमाऊत की एक मावा बनाने, दूध से मावा बनाने की फैक्ट्री थी, वहां पर श्रमिक काम कर रहे थे और अचानक किसी कारण से बॉयलर फट गया, जिसके चलते वहां पर काम करने वाले दो श्रमिक महादेव गुर्जर और राधेश्याम गुर्जर, दोनों नारायणपुरा के निवासी थे, उनकी दोनों की दर्दनाक मौत हो गई। घटना की जानकारी मिलते ही आसीन थाना अधिकारी हंसपाल सिंह और आसीन थाने का जाप्ता मौके पर पहुंचा और कड़ी मशक्कत के बाद में दोनों के शवों को बाहर निकाला गया। घटना की जानकारी के अनुसार जो बॉयलर फटने की घटना हुई थी, वहां पर घटना के चलते वहां जो लगभग 8 फीट का गहरा खड्डा हो गया और दोनों के शव सत्य विशत हो गए। दोनों के शवों को आसीन सीएचडी की मोर्चरी में लाया गया है, रात को ही लाया गया था और अब पोस्टमार्टम की प्रक्रिया होगी। फिलहाल इस घटना को लेकर ग्रामीणों का कहना है कि जो मावा फैक्ट्री का मालिक धनराज कुमावत है, वो मौके से फरार है और दोनों के शव आसीन सीएचडी की मोर्चरी में है और पुलिस का कहना है कि जांच पड़ताल शुरू कर दी गई है। जी आकांक्षा, बहुत बहुत धन्यवाद मंजूर तमाम जानकारी के लिए। तो बता दें कि बॉयलर फटने से दो युवकों की मौत हो गई है, वहीं पुलिस मामले की जांच में जुट गई है, वहीं फैक्ट्री का मालक मौके से फरार है।